ये है मस्ती की पाठशाला। तो अब शुरू करते हैं अपना टाइम। तो आप सब एक फेवरेट जगह पर अपनी बैठ जाएं, जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और आज जो अपना टाइम है वो हम करेंगे ट्री मेडिटेशन। उसके लिए आप हो सके तो बेड पर ना बैठें, ताकि आपकी जो पैर हैं वो फ्लोर पर टच होने चाहिए। तो आप मेरे जैसे चेयर पे बैठ सकते हैं, ताकि आपकी फीट ज़मीन पर टच हो। और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए, अपनी गोद में रख लें और धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें। और इस समय अपना ध्यान अपने आसपास की आवाजों पर लगाएं। बाहर से जो भी आप आवाज सुन पा रहे हैं, उन आवाजों को नोटिस करें। आवाजें जो कोई दूर से भी आ रही है या पास में भी है, उन आवाजों पर ध्यान दें। और अब अपना ध्यान अपने भीतर लगाएं, अपनी बॉडी पर लगाएं, अपनी फिजिकल बॉडी पर। कैसा फील हो रहा है आपकी बॉडी में? बॉडी कंफर्टेबल है, रिलैक्स है? और अब नोटिस करें अपनी ब्रेथ को। कैसे ब्रेथ अंदर आ रही है, बाहर जा रही है? इस समय कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपनी ब्रेथ के साथ रहना है। जब हम अपनी ब्रेथ के साथ रहते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में आ जाते हैं खुद ब खुद। और हमारा माइंड, हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। पर इस समय अपना ध्यान लगाएं
अपने फीट पर। और महसूस करें कि आपके फीट के नीचे से रूट्स निकल रही हैं, एक ट्री के जैसे, एक पेड़ के जैसे। और ये रूट्स मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और गहरी जाती जा रही हैं। रूट्स और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं जैसे जैसे वो धरती के अंदर जा रही हैं। पूरी तरह से फील करें इन रूट्स को। अपने आप को पूरी तरह से एक पेड़ के समान, एक ट्री के समान महसूस करें। जैसे ट्री स्ट्रेंथफुल होता है, वैसे ही आप भी अपने भीतर इस स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हैं। जैसे ट्री कितना हम्बल होता है, कितना काइंड होता है, बिना कुछ हमसे लिए वो इतना कुछ देता है, वैसे ही हमें भी हम्बल रहना है। ट्री तो कभी नहीं कहता कि ये फल मेरे हैं, मैं सबसे बेस्ट ट्री हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं है। ये सब बिहेवियर है ईगो का। जब हम एरोगेंस में होते हैं तो हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। पर जब हम दूसरों में पॉजिटिव क्वालिटीज देखते हैं तो हम हम्बल बनते हैं, ट्री के जैसे, जो कभी किसी को मना नहीं करता, अपने फ्रूट सबके साथ शेयर करता है। वैसे ही हमें भी दूसरों में क्वालिटीज देखनी है कि जैसे मुझ में क्वालिटीज है वैसे ही दूसरों में भी क्वालिटीज है। अब हम सदैव याद रखें
कि हम जितना भी हम बड़े हो जाएं, जितना भी हम जान जाएं, हमें हम्बल रहना है। इस क्वालिटी को अपने दिल में जगह दे हम्बलनेस की। और धीरे धीरे आप देखें कि आपकी रूट्स वापस से आपकी फीट बन जाती है। और अब अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लाते हुए और अपने आप को कहते हुए कि आई एम हम्बल। आई ऑलवेज सी गुड क्वालिटीज इन अदर्स। मैं हमेशा दूसरों में अच्छी आदतें देखता हूँ या देखती हूँ। और इस समय एक गहरा लंबा सांस लें, नाक के द्वारा लेते हुए उसे मुंह से बाहर निकालें। और धीरे धीरे अपने पैरों को अनक्रॉस करें, अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, अपनी आंखों पर रखें कुछ क्षण भर के लिए और धीरे धीरे हाथ हटाएं और अपनी आंखें खोलें एक मुस्कुराहट के साथ और अपने आप को कहते हुए कि आई एम हम्बल। तो इसे हमेशा याद रखें और मैं आशा करती हूँ आपको अपना टाइम करके अच्छा लगा होगा।